आज मैं आप लोगों को चित्रकला पढ़ा रहा हूँ। चित्रकला के अंतर्गत उपदृश्य ज्यामिति, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ज्यामिति सोमवार को लगभग ज्यामिति का टर्न चलता है, तो ज्यामिति में आज मैं आप लोगों को पढ़वाऊँगा निर्मी नंबर नौ। निर्मी नंबर नौ निर्मी नंबर आठ की ही तरह है, जैसा कि निर्मी नंबर आठ में बताया था कि हमें तृतीयानुपाति ज्ञात करना था, यानी कि तीसरा पद। यहाँ पर भी तीसरा पद ही ज्ञात करना है, उसमें किया था छोटा पद और इसमें करना है बड़ा पद। अब किसका करना है तुम्हें तृतीयानुपाति पद? सबसे पहले निर्मी नंबर हो गया नौ, इसमें देखिए जिसका अनुपात करना है उसकी संख्या है 3:4.5, यानी कि 3:4.5 बराबर 4.5:x, ये हो गया हमारा। तो हमें बड़ा पद निकालना है, यहाँ पर कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने रेखा खींची इस तरह से और एक न्यूनकोण रेखा खींची, यहाँ पर डाल लीजिए ये बिंदु। अब हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की दूरी भर के सबसे पहले ए बिंदु से यहाँ पर कट लगा लेंगे, यहाँ पर डाल लेना बी बिंदु। ये कट हो गया कितने का? 3 सेंटीमीटर का। इसके बाद में 4.5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेना प्रकार में और ए बिंदु से कट लगा लेना, ये हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर का सी कट। तो देखिए बच्चे, तुम यहाँ देख रहे हो ये हमारा हो गया 3 का और ये हो गया 4.5 का। तो हम सी को जब बी से मिलाएंगे तो ए दर्शाता है कि हमारा 3 का अनुपात 4.5 से हो गया। अब हमारा 4.5 का अनुपात कितने से होगा, यानी कि हमें तीसरा पद निकालना, तो क्या करेंगे, ए को केंद्र मान करके सी की दूरी लेकर के हम ऊपर की ओर चाप लगाएंगे, किस तरह से? इस तरह से। ये हमारा ए और सी की दूरी से कट लगाया, जो जाकर के कहाँ लगा? डी बिंदु पर। इसके बाद में हम सेट स्क्वायर रख लेंगे बी और सी रेखा पर और यहाँ पर लगा लेंगे पटरी, उसे किसका आगे लाएंगे? कहाँ? डी बिंदु पर। और डी बिंदु से इस बी सी रेखा के समानांतर रेखा खींचेंगे और इस रेखा को हम आगे जा कर के बढ़ा देंगे, तो ये काटेगी कहाँ पे? डी बिंदु पर। तो हमारा जो तीसरा पद हुआ वो कौन सा हो गया? ई डी। ये जो हमारा तीसरा पद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ई डी। यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 3 का अनुपात 4.5 से, तो 4.5 का अनुपात किससे हो जाएगा? ए डी से। ये हुआ हमारा निर्मी नंबर 9। चलिए अब देखिए निर्मी नंबर 10। निर्मी नंबर 10 फिर हट के आ गया। कैसा? अभी तक आपने क्या देखा? सबसे पहले चतुर्थानुपाती देखा, फिर देखा तृतीयानुपाती, अब यहाँ पर आ गया मध्यानुपाती, यानी कि बीच का पद। जैसे कि संख्या आती है कौन सी? 4.5 अनुपात 3 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा अनुपात। यहाँ पर कौन सा पद निकालने हैं? बीच का। बीच के पद को कहते हैं मध्य अनुपाती, यानी कि बीच वाला पद। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे बनाने के लिए ए वाला पद और ए वाला पद हम दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4×3=7, 7.5 हो गया। हम सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 7.5 सेंटीमीटर की ए बी रेखा। अब इस पर हम 4.5 सेंटीमीटर की दूरी का कट लगा लेंगे इस तरह से, यहाँ पर डाल लेना सी बिंदु। तो जी हमारा कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर। जी कितना बचा? 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी का अर्धक करेंगे, ए बी की आधे से अधिक दूरी ले करके ए बिंदु से हम ऊपर की ओर चाप लगाएंगे और नीचे की ओर, और बी बिंदु से उन चापों को काट देंगे और इन कटों को मिलाते हुए जब हम रेखा खींचेंगे तो ये हमारी ए बी रेखा की अर्धक रेखा हो जाएगी, जिसका नाम हो जाएगा ओ बिंदु। अब हम ओ को केंद्र मान करके बी की दूरी से अर्धवृत्त बनाएंगे इस तरह से, ये हमारा ओ को केंद्र मान करके बी की दूरी से अर्धवृत्त हुआ, जो जाकर के कहां मिलेगा? ए बिंदु। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इस अर्धक रेखा पर रखेंगे पटरी और उससे कहाँ पर लाएंगे? सी बिंदु पर। सी बिंदु से हम ऊपर की ओर रेखा खींचेंगे, ये रेखा हमारी इस अर्धवृत्त की परिधि पर जहाँ जा कर के मिले वहाँ पर डाल लेना डी बिंदु।
तो बच्चों जो तुम देख रहे हो ये हमारी रेखा हुई सी और डी, ये सी और डी रेखा हमारी मध्य रेखा हो जाएगी। यानी कि हम इसे दूसरी भाषा में कैसे अनुपात लिखेंगे, 4.5 अनुपात सी डी और अनुपात ये हमारा होगा निर्मे नंबर 10। चलिए अब देखिए निर्मे नंबर 11, निर्मे नंबर 11 और निर्मे नंबर 10 लगभग एक समान जैसे समझ लीजिए, जैसे कि जुड़वा भाई होते हैं। कैसे इनमें क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है कि उसमें निर्मे नंबर 10 में मध्यानुपाति दिया गया था और यहाँ पर पूछ रहा है निर्मे नंबर 11 में कि अंडर रूट 12 के बराबर रेखा की रचना करें। अंडर रूट माने आप लोग जानते हैं वर्गमूल, तो 12 का वर्गमूल कितना होगा हमें इससे मतलब नहीं है, हमें रेखा द्वारा प्रदर्शित करना है कि 12 का हम अंडर रूट कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 12 का गुणनखंड कर लेंगे, कितना होगा 3 × 4 = 12 हुआ ना, 3 × 4 = 12। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे तो 4 और 3 = 7 होगा। यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, ए बी रेखा, ए बिंदु से यहाँ कट लगा लेंगे, ये कितने का हुआ 4 सेंटीमीटर का कट, ये कितना बचा 3 सेंटीमीटर का कट, जैसे कि निर्मे नंबर 10 में किया था ए बी का अर्धक किया। इसकी अर्धक रेखा कहाँ पर काटेगी, ओ बिंदु का, ओ को केंद्र मान करके बी की दूरी से अर्धवृत्त बनाया जैसा कि निर्मे नंबर 10 में बनाया था और जैसा उसमें किया था वही इसमें भी करने, इस रेखा के समानांतर सी बिंदु से ऊपर की ओर रेखा की रचना करनी है। यहाँ पर डाल देना डी बिंदु, ये जो हमारा डी बिंदु हुआ ये सी और डी, ये जो रेखा हमारी काय के बराबर हो जाएगी, अंडर रूट 12 के बराबर हो जाएगी, तो इसे हम अंडर रूट कितना कहेंगे सी डी, ये हुआ हमारा निर्मे नंबर 11। चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिए निर्मे नंबर 12, निर्मे नंबर 12 हमारा ऐसा है जो थोड़ा हल्का सा टफ आपको जरूर लगेगा, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि एक रेखा है उस रेखा का अंत व मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अब अंत और मध्य बिंदु क्या होता है ये थोड़ा समझाने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन एक कब बताएंगे चित्र बनाने के बाद में, क्योंकि इसके पहले आप लोगों को समझ में शायद ना आए। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने कोई रेखा ली, ये हमारी रेखा हो गई ए बी रेखा, इस ए बी रेखा का हमें अंत और मध्य बिंदु ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए और बी का अर्धक करेंगे, इसकी अर्धक रेखा ए बी को काटेगी कहां पर, ओ बिंदु पर। इसके बाद में ए बिंदु पर हम एक छोटी सी दूरी का अर्धवृत्त चाप लगाएंगे और यहां से यहां कट लगाया, यहां से यहां कट लगाया, यानी कि हमने ए बिंदु पर 90 अंश का लंब डाला है, सीधी भाषा में ये होगा। लंब डालने के बाद में ए और ओ की दूरी लेकर के ए बिंदु से यहां पर कट लगा देंगे, यहां पर डाल देना पी बिंदु, P को सीधा B से मिला देना, P को B से मिला देना। इसके बाद में क्या करना है, P को केंद्र मान करके A की दूरी से हमें इस तरह से चाप लगाना है जो चाप जाकर के BP रेखा को काटेगा, कैसे, यहां से इस तरह से, ये चाप हमारा PB रेखा को कहां पे काटेगा, Q बिंदु पर। अब हम इसके बाद में B को केंद्र मान करके Q की दूरी से नीचे की ओर चाप लगाएंगे इस तरह से, ये हमारा रेखा AB को कहाँ का किस बिंदु पर काटेगा, C बिंदु पर। तो ये जो हमारा AB रेखा का C बिंदु हुआ ये हमारा अंत और मध्य बिंदु हुआ। अब देखो बच्चों तुम्हें मैंने बताया था कि ये क्या होता बिंदु, पहले ये देख लीजिए, ये जो C बिंदु हुआ इसका अनुपात और ए बी का अनुपात काय के बराबर होगा, ए सी और सी बी के बराबर। देखिए हम फिर से यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे ए हमारा होगा ए बी, ए बी अनुपात सी बी बराबर सी बी अनुपात
ए सी, ये हमारा अंत और मध्य बिंदु हुआ। कहने का तात्पर्य जो हमारी ए बी रेखा है और सी बी रेखा, तो जो अनुपात हमारा ए बी और सी बी का है वही अनुपात हमारा सी बी और ए सी का हो जाएगा। इसे हम कहते हैं अंत और मध्य बिंदु। तो आज के लिए इतना ही, अगले टाइम पर फिर से मिलेंगे।